नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको HSC लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लोटो कूपर के लॉकआउट टैगआउट क्या होता है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक, आज आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगा। देखिए लोटो का मतलब होता है लॉकआउट टैगआउट। जब हमें प्लांट में किसी एनर्जेटिक इक्विपमेंट के ऊपर काम करना होता है, चाहे वो पाइपलाइन हो, एयर की लाइन हो, इलेक्ट्रिक लाइन हो या कोई और एनर्जेटिक चार्जेबल लाइन हो, तो उसके ऊपर जब भी हमें मेंटेनेंस वर्क करना होता है तो हम उसके लिए लोटो परमिट लेते हैं। लोटो क्या होता है कि उस एनर्जेटिक इक्विपमेंट को या उस लाइन को आइसोलेट किया जाता है और वहाँ एक लॉक लगाया जाता है, उसके ऊपर एक टैग चिपकाते हैं, जिस टैग के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन होता है कि उसके ऊपर क्या काम चल रहा है और कहाँ चल रहा है। जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये लोग काम कर रहे हैं एक इक्विपमेंट के ऊपर और दो बंदे काम कर रहे हैं दो डिपार्टमेंट का, तो इसलिए इन्होंने दो लॉक वहाँ पे लगाया हुआ है। लेकिन पहले बंदे ने क्या किया कि अपना चाबी भी दूसरे बंदे को दे दिया कि जाओ हमारा भी लॉक वहाँ से हटा देना, और वो ऑलरेडी वहाँ पर काम कर रहा है। ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि आप जब तक काम कर रहे हैं तब तक अपना लोटो वहाँ से रिमूव ना करें। अब पहले बंदे का काम कम्प्लीट हो गया था, इसने अपना लोटो हटाया, साथ ही उसने जो लॉक दिया था चाबी उसने उसका भी लोटो हटा करके उस मशीन को ट्रायल में डाल दिया। अब वहाँ वो पहला का काम कंप्लीट हो गया था, दूसरा का नहीं हुआ, वो अभी कर रहा है, तब तक मशीन ऑपरेट हुआ और ये यहाँ पे इंजर्ड हो गया। तो हमेशा ध्यान रखें, आप जब भी अपना काम कर रहे हैं तो अपना लोटो स्वयं काम कंप्लीट होने के बाद ही वहाँ से रिमूव करें, किसी दूसरे बंदे को ना दें। यहाँ देख सकते हैं दो लोग काम कर रहे हैं, दो डिपार्टमेंट का एक ही इक्विपमेंट पर काम चल रहा है, इन दोनों ने अपना अपना लॉक अलग अलग लगाया हुआ है। जैसे ही पहले बंदे का वर्क कंप्लीट होता है, यह जाएगा और अपना लोटो वहाँ से अपना लॉक जो है वहाँ से रिमूव कर देगा। जैसे इसने काम कंप्लीट हुआ, इसने अपना लॉक को वहाँ से रिमूव कर दिया, लेकिन दूसरे बंदे का लॉक अभी यहाँ पे लगा हुआ है, तब तक इस इक्विपमेंट का ट्रायल पॉसिबल नहीं है जब तक दूसरा बंदा अपना लोटो वहाँ से नहीं हटाएगा। जैसे ही इसका काम कंप्लीट हो गया, अब ये बंदा जाएगा और वहाँ से अपना लोटो को रिमूव करेगा, फिर इस मशीन को ट्रायल किया जाएगा। इस केस में इंजर्ड होने के चांसेस जीरो है। तो हमेशा ऐसे ही प्रयोग करें, अपना लोटो स्वयं हटाए काम कंप्लीट होने के बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।